गेहूं बैंक द्वारा लंपी वायरस की रोकथाम हेतु वितरित किए जा रहे आयुर्वेदिक लड्डू। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने गत सप्ताह स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, गेहूं बैंक कमेटी के सदस्य से चर्चा कर गेहूं बैंक के माध्यम से आयुर्वेदिक लड्डू बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके वितरण की शुरुआत शुक्रवार से की जा चुकी है। ग्राम पंचायत आता को 1750, ग्राम पंचायत धुलेट को 1000, ग्राम पंचायत लोड़ाहेड़ा को 1200, कुल 3950 आयुर्वेदिक लड्डू वितरित किए गए। उपखंड अधिकारी राजेश डागा निर्देशित किए कि पशुपालकों के माध्यम से गोवंशों को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए जाए। सभी ग्राम पंचायत से जानवरों की संख्या अनुसार लड्डू वितरित किए जा रहे हैं, जिससे कि लंपी बीमारी से ग्रसित व कमजोर हुए गोवंशों को शारीरिक रूप से मजबूती मिल सके, इस रोग से गोवंश प्रभावित न हो। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने बताया कि अभी तक 11 ग्राम पंचायतों को 17450 आयुर्वेदिक लड्डू वितरित किए जा चुके हैं। प्रत्येक गाय को प्रतिदिन एक, कुल 3 डोज के हिसाब से लड्डू वितरित किए जा रहे हैं, जहां रामप्रसाद नागर समाज सेवी ग्राम पंचायत हिगोनिया, त्रिलोक विजय समाज सेवक कनवास ने उक्त ग्राम पंचायतों को आयुर्वेदिक लड्डू वितरित कर अपना सहयोग दिया। बीपीएन न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, कनवास, कोटा, राजस्थान से खबर।